गाइस, गुड इवनिंग। अभी हो चुकी शाम और हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं मार्केट। मार्केट क्या लेने जा रहे हैं? बाबू के लिए स्कूल के शूज लेने जा रहे हैं और दादी के लिए बंदर मामा। जबरदस्ती कुछ भी समझा रहे हैं। श्रेयस के लिए भी स्कूल के शूज लेने, बिकॉज श्रेयस की माँ की सामान तो है श्रेयस के पास, बस स्कूल के शूज नहीं है क्योंकि उसका पैर छोटा है। तो इसलिए मतलब छोटा क्या, अभी छोटा बच्चा है बाबू, तो लेसेस वाले तो मिलते हैं, बट मुझे वो वाली चीज जैसे करके गाल दो चिपका दो शूज, वो वाला शूज मिल जाता। लेकिन अभी हाय दोस्तों बोले दो। हाय दोस्तों मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो बताइए आज मेरा बाबू कैसा लग रहा है, उसको रेटिंग दीजिए फटाफट 10 में से क्या देना चाहेंगे। और श्रेयस की माँ तो ऑल ब्लैक और बब्बू जी ब्लैक, तो और बाबू ब्लैक ब्लैक पहने हैं आज, कैसा पहने? तो चलिए फटाफट बिना देरी किए अभी चलते हैं मार्केट और सीधे मिलते हैं आपसे। सीधे मिलते मार्केट में। मार्केट में हाँ मेरा बच्चा। अरे और दोस्तों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बोल दीजिए। मैं बोल देता हूँ, बोलो सपोर्ट नहीं कर, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए ना करिए, सपोर्ट करिए आप लोग प्लीज, और ना कीजिए, कीजिए सपोर्ट नहीं कर करिए, बोलो सपोर्ट कीजिए, बोलो सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों मिलते हैं मार्केट। कहाँ हो? आ जाओ सुधाई, हम लोग हो चुके हैं रेडी। देखिए एकदम हेलमेट पहन के श्रेयस को देखिए, श्रेयस भी एकदम रेडी हो चुका है चश्मा लगा के, और ये और हेड नहीं कैप, अच्छा हेड कहता। तो चलिए फटाफट चलते सीधे मार्केट, मिलते हैं आपसे मार्केट में। हाँ ठीक है ठीक है। मार्केट कर रही शूज की शॉप, तो चलिए चलते हैं शूज लेने। हम लोग क्या लेने आए? शूज लेने। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर शूज मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि एक दूसरे के पता कर चुके हैं मिल नहीं रहा छोटे बच्चे का शूज, अब यहाँ पर देखते हैं मिल जाए। चलते हैं, चलो 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 बैठो बैठ जाओ बाबू। बाबू अब सैंडल ले लेंगे अंकल, दे दें? हाँ क्यों दे दें, फिर क्या पहन के घर चलोगे? क्यों घर में क्या पहन के चलोगे? फिर शूज लेने आए हो यहाँ पर? हाँ कितने शूज ले लें, कितने शूज ले लें? फोर शूज ले लें। कहाँ पहनोगे फोर शूज? हाँ यहाँ पहनेगा, इस पैर में पहने। एक शूज आ चुका है, ये एक्वालाइट का, बाबू दिखा दो शूज। तो ये शूज आ चुका है, लेकिन अभी हमने एक और कंपनी के मंगाए हैं कि और देख लें, बहुत सारे शूज अंकल ला रहे हैं, अब ट्राई करते जा रहे हैं, जो पसंद आएगा वही ले लेंगे। देखते हैं क्या होता है, जो पैर इनका छोटा है इसलिए जो अच्छा लगेगा, जो फिट बैठे 6 महीने चल जाए बस वही लेना है। फ्रेश आप शूज लेने, सैंडल छोड़ दें यहीं पर। क्या लोगे, शूज या फिर सैंडल? क्या लोगे? अब ये अंकल दूसरे शूज पहना के देख रहे हैं कौन सा आएगा, देखते हैं। वाह अभी पहना श्रेयस ने कैंपस का शूज, तो ये शूज अच्छा लग रहा है लुकिंग वाइज। तो देखिए कौन सा लेंगे, चूज करते हैं। बैठो, कौन सा शूज पसंद आ रहा है बताइए। तो बाबू ने शूज पहन लिए, ये वाला ले ले या फिर ये वाला? दोनों ले लेते हैं, एक अलग पहन, दोनों ले लेते हैं। इधर देखो स्कूल के लिए शूज ले रहे हैं, बारात के लिए नहीं। कौन सा लोगे, ये वाला ले ले या फिर ये वाला ले ले, बताओ कौन सा ले ले, ये वाला या फिर ये वाला? दोनों ले लेते हैं। क्या इधर देखो, दोनों शूज ले लेते हैं यार, एक शूज लेना, कहाँ जा रहे हो आप बिना शूज के? शूज लेने हैं आपको? हाँ मना कर रहे हैं, कह रहे शूज नहीं दे पाएंगे अंकल, वापस कर दो, नहीं लेंगे हम शूज। ठीक है पहनोगे? मना कर रहे हैं, पूछिए पहना देंगे क्या, पूछिए। हमने ले लिए शूज, फाइनल हो गया स्कूल टाइम, अब यहाँ पर करते हैं बिलिंग और बिल करके चलते हैं घर। हो गया भैया, चलिए डिस्काउंट दिया है अंकल जी ने, 10 भी नहीं दिया उसमें भी काट ली। हाँ जी चलिए हमने ले लिए शूज, बाबू कैसे लग रहे हैं शूज? हमने लिए इंद्र बूट हाउस करके है लाल बंगले में, यहाँ गिरे, यहाँ से हमने ले लिए शूज और हम यहाँ से चलेंगे, बाबू को कुछ खिलाएंगे और सीधे चलेंगे यहाँ से घर की ओर। चले शाम हो रही है, क्या लिया है आपने, सबको दिखा दीजिए क्या लिया है, कौन से शूज लिए?
स्कूल वाले शूज, स्कूल वाले शूज। तो चलिए अब चलते हैं। कर लिए शॉपिंग, शूज लेने के बाद हमारे कल्याण जी देख रही है और यहाँ से हम पैक करा रहे हैं पेटीज और पेटीज। श्रेष्ठ का एक्साइटमेंट देखिए, श्रेष्ठ क्या पैक कराया है अपने अपने लिए जी? देखिए क्या पैक करा रहे हो, जूस और पेस्ट्री केक। चलिए हम यहाँ से पैक करा रहे हैं पेस्ट्री और यहाँ पे और पेटीज। पेटीज बड़ी डिफरेंट डिफरेंट है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ। समोसा पेटीज, मैं लाल बंगले की कल्याण जी बेकरी में हूँ और ये कचौरी, ये देखिए चीज़ आलू पेटीज, चीज़ इटालियन पेटीज, पनीर पोटली, तंदूरी पनीर। तो भाई जो भी लाल बंगले में रहता हो एक बार आके ट्राई करें यहाँ की पेटीज। मैंने पैक करा ली है कि अलग अलग तरह की पेटीज हैं और इधर ये श्रेष्ठ भैया पैक हो गया मेरा, वो हो गया और क्या ले रहे हैं जूस, इसलिए हमने श्रेष्ठ का एक्साइटमेंट देखिए। श्रेष्ठ क्या ले रहे हो, जूस? तो हम ले रहे हैं एप्पल का जूस श्रेष्ठ के लिए। ये देखिए केक, भाई कल्याण जी बेकरी का तो अपना ही है, जहाँ जाइए एक से एक आपको। क्या भैया जी, हाँ मिक्स नहीं चाहिए, केवल एप्पल है ना ये? एप्पल ही है, एप्पल डिलाइट। हाँ ठीक है, बस नहीं नहीं बस एक ही चाहिए। अभी हमने ले लिया है कि ये मैकम का मिक्स और ये ब्रेड और बर्ग, और ये ले लिया श्रेष्ठ ने जूस, श्रेष्ठ ने पीना भी स्टार्ट। हमने ये कर ली है शॉपिंग, आए थे कुछ नहीं करने, मोमोज खाने, मोमोज खा लिए और कल्याण जी बेकरी यहाँ पर है हम लाल बंगले में। अभी ये रही कल्याण जी बेकरी, ये देखिए, और कल्याण जी बेकरी से हमने ले लिया काफ़ी सारा सामान और खा पी लिया है और हम लेके चल रहे हैं घर पर पेटीज वगैरह। तो चलिए अब घर पे चल के चलते हैं और जो न्यू वैरायटी मैंने पेटीज की दिखाई वो ट्राई करते हैं। तो बनी रही हमारे पास घर और श्रेष्ठ की दादी अभी सामान निकाल रही हैं, देख रही क्या लाएँ। ये हम लोग बर्गर बनाने के लिए आए, मम्मी आपके लिए बर्गर बनाने के लिए आए हैं, हम लोग करेंगे बर्गर पार्टी। श्रेष्ठ के शूज़ आए, श्रेष्ठ आते ही पजल में लग गए। चलिए मैं कर लेती हूँ चेंज, ये रहा मेरा लोवर, फटाफट चेंज कर लेते हैं। ये मम्मी गिफ्ट मिला है, ये जहाँ से शूज लिए हैं उन अंकल ने ये बाबू को गिफ्ट में दिया है, सच में। अच्छा, पेंसिल में देखो बाबू, ये गिफ्ट में दिया है पेंसिल और स्केच, जहाँ से शूज लिया तो उन्होंने गिफ्ट में दिया और बोल रहे थे मैं इसमें रख दे रहा हूँ, इसने नोटिस ही नहीं किया। ऐसे दिखा दो सबको, ऐसे कैमरे में दिखा दो, कैमरे में दिखा दो, ऐसे दिखा दो सबको क्या मिला है, दिखा दो कैमरे में, दिखा तो दो, दिखा तो दो कैमरे में बाबू, एक बार कैमरे में दिखा दो, ऐसे दिखाइए, ऐसे नहीं ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, हाँ गिफ्ट मिला है। चलिए मैं चेंज, केक चाहिए। अब दादी निकाल रही श्रेष्ठ के लिए केक, जो कि मेरा हैप्पी बर्थडे वाला केक है। क्या लाई है दादी? तो देखिए मैंने भी चेंज कर लिए, लोवर टी शर्ट पहन लिए, अब श्रेष्ठ खाएगा केक। आइए मम्मी, और हम और मम्मी मिल के करेंगे पार्टी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अलग अलग तरह की, ये देखिए कल्याण जी लिखा हुआ है, तो कल्याण जी बेकरी से लाए हम लोग। कल्याण जी बेकरी भाई पूरे इंडिया में है, जगह जगह पर। तो ये कि हमने लिए इटालियन पेटीज करके कुछ, और ये है इटालियन पेटीज करके कुछ, और ये समोसा पेटीज। तो चलिए सब लोग ट्राई कीजिए समोसा पेटीज, खा के बताते हैं कैसे। अगर आप कानपुर में रहते हो तो कानपुर के लाल बंगले की कल्याण जी बेकरी में जाइए और ये आलू पेटीज जरूर, समोसा पेटीज जरूर खाइए, देखिए आप इसकी डिजाइन, और ये इटालियन पेटीज जरूर खाइए और बताइए इसका टेस्ट कैसा। ए फॉर क्या होता है माँ को बता दो, वीडियो में सब लोग देख रहे हैं। ए फॉर एरोप्लेन। बी फॉर बेबी। सी फॉर मुर्गा। डी फॉर डॉग। ई फॉर एलिफेंट। एफ फॉर फिश। जी फॉर बाबू गर्ल। एच फॉर हेड। आई फॉर आइसक्रीम। जे फॉर जग, हाँ जूस भी होता है। के फॉर एल फॉर लॉयल। एम फॉर मैंगो। एन फॉर नेस्ट। ओ फॉर, मैं वीडियो बोल रही हूँ पहली बार पढ़ रहा, मम्मी बउआ पहली बार पढ़ रहा है। पी फॉर, अरे वाह ये हुआ ना मेरी बात। क्यू फॉर क्वील। आर फॉर एस फॉर सैंडविच। टी फॉर, हमने वहाँ खाया था सैंडविच। हाँ टी फॉर टाइगर। यू फॉर अम्ब्रेला। वी फॉर कार। वैन नहीं कार। डब्लू फॉर वॉच, कार के माने वैन। हाँ एक्स फॉर ज़ाइलोफोन। अरे वाह ज़ाइलोफोन पढ़ लेता मेरा बच्चा। वाई फॉर वाई फॉर यार्न। जेड फॉर, अरे वाही बीप, ये क्या लिखा है? वन, हाँ वन वन के माने कार। हाँ और ये क्या है बोलिए?
टू टू और थ्री नंबर पढ़िए, नंबर हाँ नंबर पढ़िए, हाँ पढ़ो चलो। माँ बीच में बिजी हो गई थी ना। हाँ हाँ पहले बोलो ये कितने डोनट्स काउंट करिए। वन हाँ हाँ कितने डोनट्स है? थ्री। अभी काउंट करिए चलिए। वन बटरफ्लाई वन हाँ टू थ्री फोर फोर है ये। अब ये काउंट करिए बॉल कितनी है। यहाँ से वन हाँ नहीं वन टू थ्री फोर फाइव। बस इसकी अपनी मर्जी चालू हो गई। अब ये पढ़िए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये सिक्स है। सो गाइस जैसा देखा कि आपने, हमने खा लिए थे बकोसे और पी ली थी चाय और अभी हम बस डिनर करने वाले हैं और डिनर करके ही हम सोने वाले हैं। काफ़ी हो गई है रात और आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। मम्मी उधर बैठ के हंस रही हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट करते हैं इसलिए। हाँ मुझे भी कुछ बोलने दो। हेलो दोस्तों मैंने इंग्लिश कार बनाई है। कह रहा माँ मुझे बोल, जैसे ही मेरा मतलब मैं इसको बोलने ही नहीं देती हूँ, मैं कह दूंगी और ये मान जाएगा। सो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की नीड है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज वीडियो को सपोर्ट की बहुत नीड है, इसलिए सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं हाथ देख रहे मुँह बनाऊंगी, मैं परेशान हूँ। इसको भी जय हिंद जय भारत करना है। हाँ जय हिंद जय भारत। सोने में कौन मिलता है यार। सो इसकी बात है, सपने में इसका मतलब है सपने मिलने का, सोएगा सपने मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग, तब तक के जय हिंद जय भारत। इंस्टाग्राम आईडी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ओके बाय बाय।